फ्रेंड्स, कैसे कम से कम टाइम में आप अपना ज्यादा से ज्यादा हेल्दी वेट बढ़ा सकते हो और अपनी बॉडी को एक अट्रैक्टिव शेप में लेकर आ सकते हो, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, अगर आपका वजन कम है तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक टीनेजर हो और टीनेजर में या फिर 18 से 24 से 25 साल तक की उम्र में अक्सर लोगों का वजन नहीं बढ़ता है, या फिर हो सकता है कि आप लंबे टाइम तक बीमार रहे हैं जिस वजह से आपका वजन काफी कम है, या फिर ये भी हो सकता है कि जेनेटिक्स की वजह से आपका वजन कम है, यानी आपके माता पिता हमेशा से पतले ही रहे हैं जिस वजह से आप भी जेनेटिक्स की वजह से पतले ही हैं। क्योंकि एक बच्चे को उसके माता पिता से काफी सारी चीजें जन्म के टाइम पर मिलती हैं, जिसमें से एक चीज 23 pairs of chromosomes हैं जो कि बच्चे को उसके माता और पिता से मिलते हैं, और इन क्रोमोसोम्स से ही बच्चे के जेनेटिक्स जुड़े हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यानी संरचना धागे जैसी होती है जिसमें बच्चे के लिए अनुवांशिक यानी जेनेटिक निर्देश होते हैं। वैसे एक बच्चे को उसकी माँ से 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और बाप से भी 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी हाइट बढ़ने में या हमारा पतला होने में या मोटा होने में जेनेटिक्स का काफी बड़ा रोल होता है। और आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि जिन लड़कों या लड़कियों के माता पिता पतले होते हैं तो वो भी अक्सर पतले ही होते हैं, या फिर जिन लड़के लड़कियों के माता पिता मोटे होते हैं तो वो भी अक्सर मोटे ही होते हैं। तो जेनेटिक्स की वजह से भी आप पतले हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा खाने पीने की और लाइफस्टाइल की बुरी आदतों की वजह से भी अक्सर लोगों का वजन नहीं बढ़ पाता। तो वजह चाहे जो भी हो, पर अच्छी बात यह है कि आप कुछ टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स को फॉलो करके कम से कम टाइम में अपना ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा वजन बढ़ता कैसे है। देखिए, भले ही आपको वजन बढ़ाना हो या फिर घटाना हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी डाइट, यानी कि आप कब, कितने अमाउंट में और क्या खा पी रहे हैं। इस बात से ही ये तय होता है कि आपका वजन बढ़ेगा या फिर घटेगा। और डाइट के बाद वर्कआउट और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। तो डाइट से वजन कैसे बढ़ता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, डाइट से वजन का बढ़ना या घटना एक कैलोरी गेम है जिसे आपको समझना काफी जरूरी है। फ्रेंड्स, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं। जैसे एक रोटी अगर आप खाते हो तो लगभग 100 कैलोरीज आपको मिलती हैं, या फिर 250 ml दूध अगर आप पीते हो तो आपको 130 कैलोरीज मिलती हैं। मतलब जो कुछ भी आप खाते पीते हो उससे कुछ ना कुछ कैलोरीज आपको मिलती हैं, और ये कैलोरीज आपकी बॉडी में फ्यूल की तरह से काम करती हैं। यानी कि जब आप चलते फिरते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो इस तरह के सभी कामों को करने में आपकी कैलोरीज खत्म होती रहती हैं। जैसे मान लो आप लगभग 3000 कदम जब पैदल चल लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी से लगभग 100 कैलोरीज खत्म हो जाती हैं, या फिर 10 मिनट साइकिल अगर आप चलाते हैं तो इससे भी लगभग 100 कैलोरीज आपकी खत्म हो जाती हैं। वैसे हमारी बॉडी सांस लेने में, ब्लड को शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचाने में, बॉडी का टेम्परेचर सही बनाए रखने में और दूसरे काफी सारे कामों में भी कैलोरीज को खत्म करती रहती है। तो एक तरफ तो आप खाते पीते हैं जिससे आपको कैलोरीज मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉडी सही से फंक्शन करते रहने के लिए और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहने के लिए बॉडी से कैलोरीज को खर्च भी करती रहती है। अब आपको समझना यह है कि अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज अपने दिन भर के खाने पीने में मिलाकर खा रहे हैं और आपकी बॉडी सही से फंक्शन करने में और रोजाना के फिजिकल एक्टिविटी वाले कामों को करने में 2000 ही कैलोरीज को खर्च कर रही है, तो इस कंडीशन में आपका वजन ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इससे अलग, अगर आप 2000 कैलोरीज दिन में खा रहे हैं और 2200 कैलोरीज आपकी बॉडी खर्च कर देती है, तो इस कंडीशन में धीरे धीरे करके आपका वजन घटने लगता है। और अगर 2500 कैलोरीज आप दिन में खा रहे हैं और 2000 कैलोरीज ही आप दिन भर के कामों में खर्च कर रहे हैं, तब आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि 2000 कैलोरीज अगर आप रोजाना
रोजाना खर्च कर रहे हैं और 2500 कैलोरीज रोजाना खा रहे हैं, तो ऐसे में 500 कैलोरीज आपकी एक दिन में आपकी बॉडी में बच जाती हैं और ये 500 कैलोरीज आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाती हैं। और जब आप रोजाना बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज खाते रहते हैं तो बची हुई वो कैलोरीज आपकी बॉडी में फैट के रूप में अलग अलग पार्ट्स में जमा होती रहती हैं, जिससे आपका वजन बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ज्यादा कैलोरीज से आपका वजन बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। अब देखिए, अगर आप सिर्फ ज्यादा कैलोरीज खाने लगेंगे तब आपका वजन तो बढ़ जाएगा, मगर आपकी बॉडी एक मस्कुलर और ज्यादा अट्रैक्टिव शेप में नहीं आ पाएगी। तो डाइट के साथ में जरूरी एक्सरसाइजेज भी करना आपके लिए जरूरी है, जो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और जरूरी टिप्स भी आपको जानना जरूरी है, जो आगे हम आपको बताएंगे। पर पहले ज्यादा कैलोरीज खाकर कैसे वजन आपको बढ़ाना है ये जान लेते हैं। तो अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ज्यादा कैलोरीज खानी ही होंगी और अपनी कैलोरीज को ट्रैक भी करना होगा, यानी कितनी कैलोरीज आप दिन भर में खा रहे हैं ये भी देखना होगा। तो अगर आपको किसी भी खाने की कैलोरी को ट्रैक करना है तो आप गूगल पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे गूगल पर लिखिए कैलोरीज इन वन बनाना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 कैलोरीज लगभग आपको एक केले में मिलती हैं। इसी तरह से किसी भी चीज की कैलोरीज आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कैलोरीज आपको सिर्फ हेल्दी चीजों से ही ज्यादा लेनी चाहिए, यानी ऐसी चीजें जिनमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट हों। तो आपको क्या खाना है ये आगे के पॉइंट में हम आपको बताएंगे, पर अभी ये जान लेते हैं कि हर महीने 4 से 5 किलो वजन बढ़ाने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी होंगी। तो इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप दिन भर के कामों में और बॉडी फंक्शंस में कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, और इसके लिए आप ये देखो कि आपका वजन इस टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो अगर अभी आपका वजन ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, इसका मतलब है कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उतनी ही आप रोजाना खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका वजन घट रहा है तो आप कम कैलोरीज खा रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपका वजन इस टाइम पर ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। वैसे अगर आपका हल्का फुल्का वजन घट भी रहा होगा तो भी आप इस हिसाब से कैलोरीज लेना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप 2000 कैलोरीज रोजाना खर्च कर रहे हैं और 2000 कैलोरीज ही रोजाना खा रहे हैं, तो अब से आपको 1000 एक्स्ट्रा कैलोरीज रोजाना खानी होंगी, यानी 3000 कैलोरीज टोटल आपको खानी होंगी। इससे आपकी बॉडी में रोजाना 1000 कैलोरीज बच जाएंगी और इसी तरह से हफ्ते में आप 7000 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेंगे। और इस तरह से 7000 कैलोरीज एक हफ्ते में एक्स्ट्रा खाकर आप लगभग 2 पाउंड वजन बढ़ा लेंगे, यानी लगभग 900 ग्राम वजन आप एक हफ्ते में बढ़ा लेंगे। और इस तरह से आप एक महीने में लगभग 4 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। वैसे शुरुआत में आपको 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ही रोजाना खानी है, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी कैलोरीज आप हर दिन बढ़ा सकते हैं। और ये कैलोरीज आपको बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजों से पूरी नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें पूरी तरह से अनहेल्दी होती हैं। तो थोड़ी बहुत ये चीजें आप अपने शौक के लिए खा सकते हैं, पर आपको रोजाना जो कैलोरीज लेनी है वो ज्यादातर हेल्दी चीजों से ही लेनी है, जिनमें ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स मौजूद हों। पर फ्रेंड्स, जो चीजें आप खा रहे हैं उन चीजों के पूरे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिल सकें, उसके लिए जरूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से उन चीजों को डाइजेस्ट करे। तो आपको ऐसे ही दिन भर में बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट के सिर्फ डाइट ही नहीं लेते रहनी, बल्कि साथ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट वगैरह भी करना जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी एक मस्कुलर और अट्रैक्टिव शेप में भी आएगी और आपका वजन भी हेल्दी तरीके से बढ़ेगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो सुबह में उठकर आपको फ्रेश होने के बाद 10 से 20 मिनट हल्की स्पीड में जॉगिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी एक्टिव हो जाता है, जिससे जो भी आप सुबह के टाइम में और पूरे दिन भर खाते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छे से लगता है और पूरे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिलते हैं। इसके अलावा सुबह में जॉगिंग करने से आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हो और दिन भर आपको भूख भी काफी अच्छे से लगती है। अब जॉगिंग के 5 मिनट बाद ही आपको 20
से 30 मिनट वर्कआउट भी जरूर करना है। वैसे सुबह में अगर वर्कआउट आपको नहीं करना तो शाम के टाइम पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो वर्कआउट में पहले 2 सेट पुलअप्स के आपको लगाने हैं। अगर आपके घर पर कोई छज्जा है या लटकने की जगह है तो वहां से आप पुलअप के 2 सेट लगा सकते हैं। पर अगर आपके पास पुलअप करने की कोई जगह नहीं है तो आप पुलअप एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको 2 से 3 सेट पुशअप एक्सरसाइज के करने हैं। पुशअप करने से आपकी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल्स काफी तेजी से ग्रो होते हैं। तीसरे नंबर पर आपको लेग्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्क्वाट्स के 3 सेट करने हैं। फ्रेंड्स, आपके लेग्स को मस्कुलर बनाने के लिए और मोटा बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। नंबर 4 पर आपको लंजेस एक्सरसाइज करनी है और ये भी आपके लेग मसल्स को मोटा और मस्कुलर बनाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके भी 2 सेट आपको करने हैं। और लास्ट में नंबर 5 पर आपको काफ रेज एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपके काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है और इसके भी 2 सेट आपको करने हैं। और फ्रेंड्स, इस वर्कआउट प्लान में सभी एक्सरसाइजेस के एक सेट में आपको 8 से 13 रेपिटेशंस पूरे करने की कोशिश करनी है। देखिए, जो वर्कआउट प्लान हमने आपको बताया है उसमें कंपाउंड एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई हैं, जो कि बहुत ही तेजी से आपकी मल्टीपल मसल्स पर मसल मास बढ़ाने का काम करती हैं और आपकी बॉडी को एक बेहतरीन शेप में काफी कम टाइम में लेकर आती हैं। तो इन्हें आप जरूर परफॉर्म करें। वैसे अगर आप जिम जाते हैं या दूसरा कोई वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं तो आप जॉगिंग के बाद उस वर्कआउट प्लान को ही फॉलो कर सकते हैं। अब वर्कआउट के आधे घंटे बाद ही आपको बनाना शेक पीना है, तो 1 गिलास दूध में 2 केले और 4 से 5 बादाम की गिरी मिलाकर आपको शेक बनाकर पीना है। इससे आपको काफी अच्छे अमाउंट में कैलोरीज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट भी आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी लिक्विड आपकी बॉडी को जल्दी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, तो वर्कआउट के बाद ये शेक आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। इससे तेजी से आपकी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशंस मिलेंगे। अब शेक पीने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद आपको नाश्ता करना है और नाश्ते में आप ओट्स खा सकते हैं और साथ में 2 से 3 उबले हुए अंडे आप खा सकते हैं। अगर ओट्स और अंडे आप नहीं खाना चाहते तो आप रात भर भीगे हुए काले चने खा सकते हैं, जिसके साथ में आप 3 से 4 खजूर खा सकते हैं। अब अगर आपने वर्कआउट के बाद बनाना शेक और ये ब्रेकफास्ट कर लिया है तो काफी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशंस तो आपकी बॉडी को सुबह में ही मिल जाएंगे। और अगर आप जॉगिंग और वर्कआउट के बाद इन चीजों को खाएंगे तो आपको इन चीजों के सभी जरूरी न्यूट्रिशंस काफी अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी तेजी से काम कर रहा होगा। इसके बाद अब दोपहर लंच में आप छोले चावल खा सकते हैं या राजमा चावल खा सकते हैं या फिर दाल चावल खा सकते हैं। मतलब आपको दोपहर में चावल भी खाने की कोशिश करनी है। पर अगर आपके घर पर चावल नहीं बनते तो आप रोटी के साथ राजमा या छोले या सब्जी या दाल भी खा सकते हैं। पर जो भी आप लंच करें उसके साथ में आपको थोड़ा सा सलाद और 100 ग्राम दही जरूर खानी है। फ्रेंड्स, अगर आप 1 बजे लंच कर लेते हैं तो आप शाम में 4 बजे 1 या 2 केले खा सकते हैं या फिर 2 उबले हुए अंडे खा सकते हैं या फिर 100 ग्राम पनीर खा सकते हैं या फिर 3 से 4 खजूर खा सकते हैं या फिर भुने हुए चने आप खा सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं या फिर मूंगफली आप खा सकते हैं या फिर थोड़े ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी एक चीज आपको शाम में 4 बजे के आसपास खानी है। इसके बाद आपको रात में 7 बजे के आसपास डिनर कर लेना है और कोशिश आपको यही करनी है कि शाम में 7 बजे के आसपास आप डिनर कर लें, क्योंकि जितनी रात होती जाती है उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता जाता है। और अगर आप रात में देर से खाना खाते हैं तो इससे आपका पेट खराब होने की या खाना सही से हजम ना होने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे आपको खाने के पूरे न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल पाते। वैसे डिनर में आप घर की बनी हुई रोटी सब्जी या दाल रोटी या पनीर की कोई सब्जी आप खा सकते हैं। और अगर शाम में आपके यहाँ चावल बनते हैं तो दाल चावल या राजमा चावल या छोले चावल आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट बनानी है और साथ में रोजाना वर्कआउट और थोड़ी सुबह की जॉगिंग आपको जरूर करनी है। इसके अलावा रात की 7 से 8 घंटे की नींद आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए और मसल्स की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होती है। तो रात में देर तक आपको नहीं जागना है और 10 से 11 बजे के आसपास आपको सो जाना है। इससे अलग आप अपना वजन हर 10 से 15 दिन में चेक करते रहें और जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज मिल रही हैं
इस बात का ध्यान भी आप जरूर रखें। देखिए फ्रेंड्स, बताई गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके आप तेजी से अपना वेट गेन कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।